हेलो फ्रेंड्स, आपका परी चौधरी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन से बर्फ़ी, जिसके लिए हमने 300 ग्राम बेसन लिया है। इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। एक कटोरी हमने मखाने लिए हैं। पहले हम मखाने भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने हैं। कुछ गिरी हमने बादाम की ली हैं, इसे भी इसी में डाल के रोस्ट करेंगे। हमारे मखाने भून चुके हैं। कुछ हमने मगज के बीज लिए हैं। एक कप हमने नारियल का बुरादा लिया है, लगभग 60 ml के आसपास। बेसन भूनने के लिए अब हम इसमें घी डालेंगे, 2 टेबल स्पून। मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे। बेसन हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसमें जितनी भी गेली हैं सारे फोड़ेंगे हम, दबा दबा कर सबको अच्छी तरह से भूनेंगे। बेसन हमारा भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम थोड़ा से पानी का छींटा मारेंगे ताकि इसमें अच्छे से दाने बन जाएं। बेसन हमारा भुन चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बेसन को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम ड्राई फ्रूट को मिक्सर में पीसेंगे। 400 ग्राम हम इसमें चीनी डालेंगे। एक कप हम इसमें पानी डालेंगे। चीनी को मेल्ट होने देते हैं। कि हम चाशनी तैयार करेंगे। चीनी मेल्ट होने लगी है। बेसन को हम थोड़ा सा मिक्सी में घुमाएंगे, जिससे इसमें जो थोड़े मोटे दाने हैं वो बारीक हो जाएं। इतने हमारे चाशनी बनी। हमने थाली में घी लगा लिया है। अब हम अपनी चाशनी को देखते हैं। देखिए, हमारी चाशनी एक तार की बन चुकी है। अब हम गैस को मीडियम करके सिम करके थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन डालेंगे, चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े।
हमने जो ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। नारियल का बुरादा भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे गाढ़ी होने तक। अब हम गैस बंद कर देते हैं। थोड़ी देर चलाएंगे। जब ये जमने की कंडीशन में हो जाएगी तब हम इसे थाली में करेंगे। हमें इसी तरह से घुमाकर ठंडी करनी है। ये तीन चार मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब हमारी बर्फी जमने की कंडीशन में हो गई है, देखिए। अब हम इसे बर्तन में पलट देते हैं। थाली में हमने घी लगा लिया था, अब हम इसे इसमें पलटेंगे। जितनी मोटी पतलियाँ आप बनाना चाहो उतनी मोटी पतलियाँ आप बना सकते हो बर्फी को। अब हम इसे किशमिश की मदद से सजा रहे हैं। कुछ हम मगज के बीज डाल रहे हैं। अब इन्हें हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब हम इसे ठंडी होने के लिए रख देते हैं। बर्फी हमारी जम चुकी है, अब हम इसके पीस करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कट रही है। कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है, देखिए। हमारी बर्फी कितनी अच्छी जमी है आपको दिखाते हैं। कितनी मुलायम बनकर तैयार हुई है ये बर्फी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है। बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो गई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। शेयर ज़रूर करना, कमेंट में लिखकर बताना कि आपको हमारी बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।